तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल में। एक्सटर्नल पिवट टेबल मतलब कि हम किसी और फाइल से, किसी और एप्लीकेशन से, ऑनलाइन पेजेस से पिवट टेबल इंपोर्ट करेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे एज ए पिवट टेबल। अब इसकी रिक्वायरमेंट कई सारे केसेस में होती है, जैसे जैसे मान लीजिए कि हमें डेटा ऑटोमेटिक अपडेट करना है, या हमें मान लीजिए कि कोई एक बड़ा फाइल है जिसको ओपन होने में काफी टाइम लगता है, तो हम फाइल को बिना ओपन किए ही पिवट लगा लें ताकि फाइल ओपन होने में जो कैलकुलेटिंग परसेंटेज आती है नीचे लिखा हुआ और जो मिनट दो मिनट का टाइम लगता है वो वेस्ट ना हो। दूसरी चीज, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उस पर हम क्लास लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन है तो उसपे हम जो है कनेक्ट करना चाहते हैं और डेटा पिवट लगाना चाहते हैं। तो आज हमारी इस एक्सटर्नल पिवट टेबल में हम आपके साथ इसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे इस बैच में आज कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, बट चार लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सेल टू एक्सेल के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्शन की। ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपकी कैलकुलेशन क्लास में बताया था कि आपके डेटा है और डेटा में अगर आपने कोई चीज ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली वो डेटा सिलेक्ट नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा जैसे ही नीचे ऐड हो ऑटोमेटिकली मेरा पिवट में आ जाए, मतलब मुझे बार बार चेन सोर्स डेटा ना करना पड़े। तो आप उसको नॉर्मल पिवट जैसे लगाते हैं इंसर्ट में जाके, ऐसे नॉर्मल पिवट आप ना लगाएं, आप लगाएं एक्सटर्नल पिवट टेबल। कैसे? आप जहां लगाना है उस लोकेशन पे आ जाए, पिवट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। जी हाँ, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब इसके चूज कनेक्शन पे हम जाएंगे। जी हाँ, चूज कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर, ब्राउज फॉर मोर आ गया और इसमें हम बात करेंगे, अपने लोकेशन पे जाते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, देन ओपन। अब क्या है कि एक बार में एक पिवट टेबल एक ही डेटा से लिंक होता है। जी हाँ, एक बार में एक पिवट टेबल एक ही डेटा से लिंक होता है। तो यहां पे आपको वो डेटा शीट सिलेक्ट करना होगा, तो हमने शीट वन को सिलेक्ट कर। ओके दैट ओके। आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें पिवट लगाता हूं। मान लीजिए हमने रीजन यहां पे रख दिया और हमने यहां पे ईयर दे दिया और यहां पे क्वांटिटी का टोटल दे दिया। अब इन फ्यूचर में डेटा ऐड होगा, जैसे कि हम यहां एक नया डेटा ऐड कर रहे हैं। मैं कस्टमर में डे भी लिख देता हूँ, मटेरियल में टैक्स, टेक्नोलॉजी, रीजन में हमने इंडिया दे दिया, प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे आईटी, क्वार्टर वन 2020 और सेल्स पर्सन में हम दे देते हैं अनुराग। अब इसे अपडेट कर दिया। अब जैसे मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा, लिया आ गया सर, हमें यहां पिवट टेबल एनालाइज में जाके चेन सोर्स डेटा करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ गया, यहां से ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अगर आप फील्ड ऐड करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने यहां पे मंथ ऐड कर दिया
और यहाँ पे मैंने जैन पर लिख के नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूं। अब मैं पिवट को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे यहाँ पे देखिए ईयर के बाद जैन का कॉलम नहीं आया, तो सिर्फ ए रो को देगा, कॉलम को नहीं देगा। तो कॉलम को भी आ जाए ऐसे क्या करें, तो उसके लिए हमें फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तरीका है, वो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे दिखाता हूं। हमें यहां लिखना होगा ऑफसेट। ऑफसेट हमने बोला A1 से स्टार्ट होगा, जीरो रो जीरो कॉलम, और इसकी जो हाइट है, हाइट में मैंने यहां पे काउंट A लगा लिया एंड विड्थ में भी काउंट A लगा दिया। अब देखिए डेटा आ गया। अब इसको कॉपी करके हमें फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम में हम यहां दे देते हैं dt और उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। अब ध्यान देखिए फॉर्मूला हमें पेस्ट तो कर दिया लेकिन हमें फ्रीज करना होगा, जैसे कि s4 को फ्रीज करना है, a/a को फ्रीज करना है और यहाँ 1/1 को फ्रीज करना है। देन इसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको पिवट टेबल यहां लगाइए, इंसर्ट पिवट टेबल, और यहां हम कर देते हैं सिर्फ dt एंड ओके आ गया। अब मैं अपने डेटा में अगर मंथ को ऐड करता हूं तो क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करते देखिए मंथ आ गया। अब ये ऑफसेट का क्या फंदा है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले क्लास में इसको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ओके ठीक है सर। अब देखिए एक्सटर्नल पिवट टेबल आप लगाते हैं तो कुछ चीजें के ध्यान में रखिएगा। पहली चीज ये कि आपका हेडिंग पहले से स्टार्ट होना चाहिए। आपका हेडिंग अगर पहले से स्टार्ट नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि पहले रो को एज ए हेडिंग। ठीक है सर, एक डाउट है। हाँ पूछिए। जैसे कि आप नॉर्मल पिवट टेबल भी हम लोग लेते हैं तो वहां पे भी अगर कुछ चेंजेस करते हैं और अगर जहाँ पे हम लोग पिवट लगा के रखा हुआ है वहां पे रिफ्रेश करेंगे तो वो चेंजेस तो हो ही जाता है, तो अभी मतलब एक्सटर्नल का क्या यूज हुआ है? नहीं, आपने गलत समझ रहे हैं। जब आपकी पुराना डेटा है उसमें चेंजिंग करते हैं तो रिफ्रेश होता है, आपने नया डेटा डाला उसमें नहीं होता है, उसके लिए आपको रेंज को इंक्रीज करना पड़ता है। ओके। जैसे हमने पिवट लगाया था 504 से की लगाया था ना, हमने डेटा नया डाला 505, इसको कंसीडर कैसे कर लेगा वो? जी जी जी, इसके लिए एक्सटर्नल यूज करते हैं हम, या आपकी ऑफसेट वाला सिस्टम है उसको यूज करते हैं। अच्छा ओके जी, चलिए अब इसमें हम इसको बंद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम फाइल को बिना, अभी जब एक्सटर्नल लगाया तो फाइल में लगाया था ना, हम चाहते हैं कि फाइल को बिना खोले हुए, जी हाँ फाइल को बिना ओपन किए हुए पिवट लग जाए एक नया फाइल में। जैसे कि आपके ऑफिस में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, 400 MB, 500 MB, 1000 MB की, जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है ओपनिंग में, कैलकुलेटिंग परसेंटेज घूमते रहता है ना सर। फिर आप कीबोर्ड वगैरह कुछ यूज करते हो तो टाइमिंग लेता है, हर बार हैंग हो जाता है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि फाइल को खोल ही रहे हैं, हम किसी और फाइल में इसको यूज कर रहे हैं। तो एक नया फाइल में मैंने गया और पिवट टेबल, और हमने यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स में चूज कनेक्शन पे चले गए, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे हमने अपना फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओपन एंड सीट को सिलेक्ट किया, देन ओके एंड देन ओके। ठीक है, उसी तरह से अगर आपकी फाइल पड़ी हुई है एमएस एक्सेस के अंदर में, किसमें पड़ी हुई है, एमएस एक्सेस डेटाबेस में पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपना एमएस एक्सेस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेटा है, डेटाबेस 3 को हमने सिलेक्ट किया एंड ओपन किया, इसमें
जो टेबल या जो क्यूरी चाहिए उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लें, आपका पिवट एक्सेस से लग जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके पास ऑरिकल है या आपके पास एसक्यूएल सर्वर है तो आप यहां ब्राउज़र मोड में आइए न्यू सोर्स और यहां पे आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल या ऑरिकल सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और डिटेल डालिए। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर तो होगा नहीं आपके पास, इसको स्किप कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर अब एक चीज और है कि हम वेब से चाहते हैं, वेब मतलब कि हमारे पास एक फाइल है जो मैं डाउनलोड करता हूं ब्राउज़र, एक एफटीपी है, एक एफटीपी है, वहां से फाइल बराबर मैं डाउनलोड करता हूं और फिर उस फाइल को, उस फाइल पे हमें ये लगाना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दिख रहा है सर, यहाँ पे डेटा वन इसको ले लेते जो कल मैंने किया था सीएसपी। अब मुझे बार बार इस फाइल को डाउनलोड कराना पड़ता है और स्क्रिप्ट पिवट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाए जो बार बार हमें डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े, तो हम इसकी URL को माफ कीजिएगा, हम इसकी URL को कॉपी कर लेते हैं, यहां साइड क्लिक किया कॉपी लिंक कर दिया और यहां पे आते हैं पिवट टेबल पे, चूज कनेक्शन ब्राउज फॉर मोर और यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि सिर्फ URL को ही नहीं, आपके पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप पिवट के साथ लिंक करना चाहते हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे करें, तो उसकी पूरी की पूरी पाथ को लीजिए और इस पर पेस्ट कर दीजिए, पूरी की पूरी पाथ को पेस्ट कर दीजिए एंड हम यहां से ओपन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सर, तो ये और जो कल हमने किया था कॉपी फ्रॉम वेब, ये सेम चीज है, बस इसके तरीका अलग अलग हो गया। कॉपी फ्रॉम वेब अलग चीज है, कॉपी फ्रॉम वेब हो गया जिसकी वेबसाइट पेज का डेटा ले रहा है, एक एसटीपी जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो शेयर ड्राइव होते हैं या इंटरनेट पे जो ड्राइव होते हैं या के लोकेशन पास होता है जहां से बार बार डाउनलोड करना पड़ता है लिंक, आपको फिक्स URL है, फाइल चेंज होती रहती है बस URL फिक्स है, ठीक है। अब देखिए इसने नहीं किया, इसने क्योंकि NSN दिया था लग रहा है नहीं दे रहा है, इसी को करते हैं बायोमेट्रिक। मेल है ना, हाँ ये लिंक, फाइल लिंक होना चाहिए सर, जैसे ये हमें लिंक डाला ना सर, ये लिंक नहीं सर, इसको ओपन कीजिए, ये आपको इनवैलिड दे देगा क्योंकि ये लिंक में फाइल का, हाँ हो गया, तो बार बार फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या हो गया कि उस URL से लिंक हो गया, जैसे वो आपके सर्वर पे चेंज होगा ये आपका एक्सेल भी चेंज कर लेगा, दिख रहा है, मतलब कि एक लोकेशन है जहां से बार बार फाइल डाउनलोड करके आपको पिवट लगाना होता है फाइल। अब जैसे कि कल जो मैंने बता रहा था आपको वो था अलग चीज, जैसे कि एग्जाम्पल मैं करता हूं यहां पे मोबाइल यूजर, एक लोग मैंने एक सर्च किया हमने विकिपीडिया, हाँ
अब जैसे ये लिस्ट है, मुझे इस पे पिवट लगानी, बात समझ रहे, मुझे इस पे पिवट लगानी, तो हम इसको कॉपी करते हैं और आते हैं एक्सेल में। अभी हम डायरेक्ट चाहे यहां नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पेज में सिर्फ डेटा ही नहीं है, इस पेज में क्या है, इस पेज में पूरा का पूरा बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह हर चीज है, हमें तो पिवट डेटा पे लगाना है ना। तो पहले आपको डेटा मेनू बार में डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग वेब स्क्रिप्टिंग कहते हैं। जैसे कि कल हमने बताया था आपको सर, कल मैंने सक्सेसफुली कर लिया था वो डाउनलोड, उसमें एक्चुअली मैंने आपको भेजा भी। हाँ मैं देखा, उसमें कुछ और चीजें भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दो मिनट रुकिए। अब इसके ये क्या कर रहा है कि उस सीट को देख रहा है, उस सीट पर जितने भी टेबल्स हैं वो टेबल का यहाँ पे सिस्टम दे देगा आपको। देखिए ढूंढ रहा है सर, तो जूम चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो जूम था इंटरनेट को ब्लॉक कर देता है। तो देखिए आ गया डॉक्यूमेंट, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट था, एचटीएमएल फॉर्मेट में था, ये आपका टेबल जीरो दिख रहा है आपको टेबल फॉर्मेट में, एक टेबल वन भी है, तो मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रैंकिंग है, कंट्री है, यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है, वर्ल्ड में ओवरऑल, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट लोड टू कर देता हूँ तो ये लोड हो जाएगा, बट मुझे लोड टू नहीं करना है, हमें इसको चेंज करना है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका पावर बी आई खुल के आ जाएगा, सॉरी पावर क्यूरी, पावर क्यूरी खुल के आ जाएगा। तो मुझे यहां से नहीं चाहिए, दिख रहा है आपको, तो इस पे अब इस पे राइट क्लिक करके हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हाइड कर सकते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां से जो वर्ल्ड लिखा हुआ है उसको अनचेक करके फिल्टर लगा लिया। अब कोई कॉलन नहीं चाहिए, कॉलन को भी हटा सकते हैं, कोई कॉलन का अगर जैसे यहाँ पे डेट डेट देखे डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको टेक्स्ट यहाँ पे कर दीजिए डेट एंड टाइम, या डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डेटा आपका फाइनल हो गया, अब इसमें भी देखिए एरर है, एरर चाहिए था, ठीक नहीं चाहिए कोई बात नहीं, क्योंकि वो डेट को कन्वर्ट नहीं कर पाया। आफ्टर दैट यहां हम करेंगे लोड टू, लोड टू। अब पूछ रहा है कि टेबल मतलब पूरा का पूरा डेटा चाहिए या पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, पिवट टेबल चार्ट चाहिए, सिर्फ कनेक्शन करना चाहते हैं। हमने बोला कि नहीं मुझे पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट किया, देन ओके। अब ये डेटा मेरे विकिपीडिया के, मेरा जो पिवट दिख रहा है आप विकिपीडिया से लिंक है, अगर विकिपीडिया का चेंज कर रहा है तो यहाँ मेरा रिपोर्ट भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से ऐसे इंडिया मनी कंट्रोल, ऐसे जो शेयर मार्केट साइट की डेटा है या कुछ और डेटा है, उसका आप लाइव कनेक्शन कर सकते हैं। समझ गया सर, लोड नहीं है, कोई डेटा लोड हो रहा है सर, थोड़ा सा स्लो होता है, वेब स्क्रिप्टिंग चलती है, थोड़ा सा स्लो टाइम लेता है सर, ठीक है, आ जाएगा सर, पिवट के मोमेंट में आ जाएगा सर। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, लोड और लोड टू, लोड एंड लोड टू हुआ है कि अगर आपने कुछ दिक्कत हो गया, डाउनलोड फेल हो गया, इसको रिफ्रेश करना, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। लोड हुआ जैसे कि डेटा को लोड कर देगा, ठीक है, एंड लोड टू होगा कि उस पर कुछ करना है आपको, इसे डेटा लोड नहीं चाहिए, उस पर आपको पिवट वगैरह लोड करना है, इसलिए लोड टू उसको बोलते हैं। ये जूम चल रहा है ना, इस कारण से दिक्कत है, आप देखिएगा आपके पास आ जाएगा, आ जाता है। मैंने जो कल आपको फाइल भेजी उसमें है सब, ये फाइल मैंने किया हुआ है वो एनएससी से, ठीक है,
तो आज की टॉपिक हमारी थी एक्सटर्नल पिवट टेबल की, आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम बात करेंगे स्लाइसर्स के ऊपर, और पावर बीआई पे डिपेंड रहिए, पावर बीआई का पूरा आएगा आगे क्लासेस में। मैं करीब 8-10 क्लासेस पावर बीआई डेटा एक्सटर्नल पे लूंगा, चिंता मत कीजिए, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कल हम बात करेंगे स्लाइसर के ऊपर। सर जैसे कि मेरे